अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल केयरिंग टिप्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गोल्डन पर्ल फेशियल किट की रिव्यू। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको फेशियल किट को जो किस तरह से यूज़ करना है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना है, कौन सी चीज़ पहले यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ बाद में यूज़ करनी है, यानी कि किस सीक्वेंस में उसको यूज़ करना है, ये मैं आज आपको बताऊंगी अपनी इस वीडियो में। और आपको बताऊंगी कि ये वाकई इफ़ेक्टिव है या नहीं, और इससे कोई लगाने के बाद कोई इफ़ेक्ट होता है, इसको यूज़ करने के बाद आपका जो है फेशियल इफ़ेक्ट आता है आपकी स्किन पर या नहीं आता, ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में। तो चले आए, सबसे पहले हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ये मैंने दराज से जो है गोल्डन पर्ल की जो ऑफिशियल उनका स्टोर है दराज मॉल पे, मैंने वहाँ से ये ऑर्डर की है गोल्डन पर्ल की फेशियल वाइटनिंग फेशियल किट। और ये मुझे तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 550 रुपीज़ की मिली थी। और ये जो है कंप्लीट पैकेज है इसके अंदर, इसके अंदर आपको स्किन पॉलिशिंग के भी मिलेंगे पैक्स, और ये सिंगल यूज़ के लिए होगा स्किन पॉलिशिंग का पैक। तो और अगर आप जो है इसको कम यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये 2 टाइम भी यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर आप फेस पे, नेक पे और हैंड्स पे इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपका सिंगल यूजेज का होगा। और इसके अंदर ये एक लीफलेट निकला है जिसके अंदर उन्होंने सारा बताया है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कि कौन सी चीज़ को कैसे यूज़ करना है, उन्होंने सारी डिटेल इस पर लिख दी है। और व्यूअर्स, साथ इसके अंदर से ये निकला है एक लाइटनिंग सॉफ्ट मास्क, और इसको हमने कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये मैं आपको बताऊँगी। और इसके अलावा इसमें मैं आपको दिखा दूँ कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है ऐड की हुई हैं इस फेशियल किट में, उन्होंने हमें क्या क्या दिया है। जी, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये है गोल्डन पर्ल वाइटनिंग सीरम, और ये 3 ml का पैक है, ये इन्होंने दिया है। इसको कब यूज़ करना है ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए उतनी देर हम देखते हैं बाकी प्रोडक्ट्स को कि बाकी और कौन कौन से इन्होंने छोटी छोटी ट्यूब्स में हमें दिया है। ये है ब्लैक हेड रिमूविंग मास्क, ये ट्यूब है वाइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग मड मास्क, इसको भी कब यूज़ करना है ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी ट्यूब है। इसके अलावा और इसके अंदर है वाइटनिंग एंड रिपेयरिंग क्रीम, डे एंड नाइट प्रोटेक्शन। ये सारी जो है प्रोडक्ट्स, ये वाइटनिंग सीरीज़ के प्रोडक्ट्स हैं, और इनके भी बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे इन प्रोडक्ट्स को तो आपको वाकई इसका फ़ायदा होगा। और ये है मसाज क्रीम, वाइटनिंग मसाज क्रीम है विद मिनरल एंड कोकोनट ऑयल, और ये मसाजिंग में हम इसको यूज़ करेंगे फेस मसाज के वक्त। ये है फेशियल स्क्रब, वाइटनिंग फेशियल स्क्रब है विद वॉलनट एक्सट्रैक्ट। और फिर हमारे पास है फेशियल क्लेंजर है, वाइटनिंग फेशियल क्लेंजर विद विटामिन सी एंड सिट्रिक एसिड। और इसके अलावा हमारे पास है गोल्डन पर्ल वाइटनिंग टोनर। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, ये सारे जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, ये 20 ml की हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप इसको जो है वो एक टाइम में कितना यूज़ कर रहे हैं। ये किट आपकी 2 से 3 times भी यूज़ हो सकती है। और व्यूअर्स, इसके अंदर से ये एक एनवेलप भी निकला है जिसके अंदर गोल्डन पर्ल का ब्लीचिंग पाउडर है जो कि ब्लॉन्ड रिजल्ट देता है, और गोल्डन पर्ल का ही डेवलपर है इसके अंदर, क्रीम डेवलपर है जो कि 6% है और 20 वॉल्यूम है इसका। और इसको हम जो है स्किन पॉलिशिंग में यूज़ करेंगे। साथ इसके सूदिंग लोशन है, वाइटनिंग सूदिंग लोशन गोल्डन पर्ल का, इसको भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके साथ हम स्किन पॉलिशिंग करेंगे। जी, तो चले व्यूअर्स, मैं आपको सीक्वेंस बताती हूँ कि सबसे पहले आपने जो है क्लेंजिंग करनी है इस फेशियल क्लेंजर के साथ।
ये गोल्डन पर्ल का वाइटनिंग फेशियल क्लेंजर है। इससे आपने क्लेंजिंग करनी है, जो भी आपके फेस पे डर्ट है और कुछ जो भी मेकअप है वो सब आपने इससे रिमूव करना है। ये देखें व्यूअर्स, ये इसके अंदर से ये इस तरह का क्लेंजर निकलेगा। लिक्विडी सा है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और ये बहुत अच्छी क्लेंजिंग कर देता है। और अगर आपको फील हो कि अभी क्लेंजिंग नहीं हुई सही तरह तो आप दोबारा से क्लेंजिंग कर लीजिए सेकेंड टाइम भी, और अपने गीले हाथों से क्लेंजिंग करनी है। और उसके बाद आपने यूज़ करना है ये टोनर, ये गोल्डन पर्ल का टोनर है। जब आप क्लेंजिंग कर लेंगे तो आपने अपने फेस के ऊपर इस टोनर को स्प्रिंकल करना है। ये स्प्रे किया आपने टोनर का और इससे आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा और आपके ऑयल को भी कंट्रोल करेगा, आपके पोर्स जो हैं उसको नॉर्मल करेगा, अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो उनको भी ये क्लोज कर देगा। और इसको आपने स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होने देना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद आपने करनी है क्लेंज स्क्रबिंग इस फेशियल स्क्रब के साथ। और ये बहुत ही माइल्ड सा फेशियल स्क्रब है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, बहुत अच्छा है अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है तो भी आपके लिए बहुत परफेक्ट है ये फेशियल स्क्रब। इसके बाद जो है व्यूअर्स, आपने करनी है स्किन पॉलिशिंग, जिसमें आता है ये ब्लीचिंग पाउडर और ये है क्रीम डेवलपर और सूदिंग लोशन। इन तीनों चीज़ों को आपने ऐड करना है। सूदिंग लोशन और ये क्रीम डेवलपर आप फुल यूज़ कर लेंगे और ब्लीचिंग पाउडर जो है वो आप थोड़ा सा यूज़ करेंगे अपने हेयर की थिकनेस के अकॉर्डिंग, फेशियल हेयर की थिकनेस के अकॉर्डिंग। और उसके आपने इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून ऐड करना है, ठीक है। अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आपने इसका 1/4 चम्मच आप कर लें इस पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का, ये आपने यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर स्किन। उसके बाद आपने ये जब ब्लीचिंग भी हो जाएगी आपने ब्लीच रिमूव करके अप्लाई करना है अपने नोज़ के ऊपर ये ब्लैक हेड रिमूविंग मास्क, अगर आपके नोज़ पे ब्लैक हेड्स हैं तो। और ब्लैक हेड रिमूविंग मास्क जो है आपने यूज़ करने से पहले स्टीम ले लेनी है ताकि आपके जो ओपन पोर्स, आपके जो नोज़ के पोर्स हैं वो ओपन हो जाएं। उसके बाद आपने लगाना है ये ब्लैक हेड रिमूविंग मास्क और इसको लगाने के बाद जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने इसको पील कर लेना। ये बहुत ईजीली, बहुत अच्छे तरीके से ये पील ऑफ हो जाता है और सारे ब्लैक हेड जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद आप करेंगे मसाज इस क्रीम के साथ। ये है वाइटनिंग मसाज क्रीम, इसके अंदर कोकोनट ऑयल है और मिनरल है और ये बहुत ही स्मूथ सा इसका टेक्सचर है, क्रीमी और ऑयली इसका टेक्सचर है, तो ये मसाजिंग में भी बहुत इजी रहता है। इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होगी, अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है वो भी बहुत अच्छी नॉर्मलाइज हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी। उसके बाद आपने अप्लाई करना है ये वाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग मड मास्क, इसकी आपने मोटी तह लगानी है, यानी कि ये क्रीमी फॉर्म में है और इसकी आपने लेयर लगानी है अपने फेस के ऊपर इस तरह से कि आपके फेस पे जो है वो वाइट लेयर इसकी नज़र आए लगी हुई। इस तरह से इसको आपने अप्लाई करना है, 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको अप्लाई करके अपने फेस पे छोड़ देना है। उसके बाद आपने यूज़ करना है वाइटनिंग सीरम और गोल्डन पर्ल का वाइटनिंग सीरम आपने अप्लाई करना है। मड मास्क रिमूव करके आपने अप्लाई करना है गोल्डन पर्ल वाइटनिंग सीरम के कुछ ड्रॉप्स और इसको आपने अब्जॉर्ब होने के लिए 2-3 मिनट की अब्जॉर्ब इसको करना है। ये अच्छी तरह से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा और इससे भी आपकी स्किन पे जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद व्यूअर्स, ये जो वाइटनिंग एंड रिपेयरिंग क्रीम आपने अप्लाई करनी है अपने फेस के ऊपर और इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, आपने फेस वॉश किया है, आपने क्लेंजिंग की है, आप उसके बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं, दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, सोने से पहले आप इसको अप्लाई करें। ये बहुत अच्छी स्किन के लिए, स्किन को इवन टोन कर देती है और जो भी मौसमी असरात होते हैं आपकी स्किन के ऊपर उसको ये जो है बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करती है, आपकी स्किन को बहुत ही यंग और फ्रेश बना देती है। इसके बाद व्यूअर्स, ये अप्लाई करना है
लाइटनिंग सॉफ्ट मास्क पाउडर गोल्डन पर्ल का सॉफ्ट मास्क पाउडर अप्लाई करना है और इसको किस तरह से अप्लाई करना है, ये है बहुत ही सॉफ्ट सा पाउडर है, ये लाइटनिंग है, मॉइस्चराइजिंग है और फॉर्मिंग प्योरीफाइंग है। इसके बाद आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बहुत स्मूथ हो जाती है। इसको आपने जो है वो पेस्ट बनाना है। इस पाउडर को आपने उतना लेना है जितना आपने यूज़ करना है अपने फेस पे और अपने नेक पे, और उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना, थोड़ा सा ऐड करना है और आपने इसकी थिक पेस्ट बना लेनी है। और इस थिक पेस्ट को आपने अपने फेस पे मोटी तह अप्लाई करनी है, इसकी थिक लेयर अप्लाई करनी है और जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो ये खुद ही रिमूव होता जाएगा, क्योंकि ये ड्राई होके जो है वो छिलकों की तरह से उतरना शुरू कर जाएगा और इसको आपने फिर रिमूव कर लेना है और इसकी बहुत ही अच्छे स्मूदिंग इफ़ेक्ट होते हैं जी। तो व्यूअर्स, अब बारी है इसका रिव्यू देने की और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, वो ये कि आपको इससे रिज़ल्ट जो है इसका आपको फर्स्ट टाइम यूज़ में बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप इसको 2 से 3 times या फिर 4 times आप इसको जब यूज़ कर चुके होंगे, यानी कि इस पूरी किट को, सारी ट्यूब्स को आप फुल यूज़ कर चुके होंगे एक एक हफ्ते के गैप से, तो तब आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट नज़र आएगा। फर्स्ट यूज़ में ही बिल्कुल आपको अच्छा रिज़ल्ट इसलिए भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि अगर आपकी स्किन जो है वो टैन हुई हुई है, उस पर मौसमी असरात हैं, तो वो फर्स्ट यूज़ में ही नहीं ठीक हो जाएंगे, उसको भी टाइम लगेगा प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट होने में। लेकिन ब्लीचिंग जो है वो आप फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ करेंगे तब आपने करनी है, और आपने इसको एवरी वीक तो ब्लीचिंग नहीं और स्किन पॉलिशिंग नहीं करनी, वो जस्ट आप फर्स्ट टाइम करेंगे, उसके बाद आप अपनी क्लेंजिंग और स्क्रबिंग और ये जो वाइटनिंग क्रीम है, टोनर है और सीरम है, इसको आप रेगुलर बेसिस पे भी आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई इतने नुकसान नहीं हैं। आप इसको हल्के हाथ से अपनी स्क्रबिंग करें, क्लेंजिंग करें, इसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ये तो थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट देके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।